हेलो जी, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी ठीक है। और भाई टाइम चेक कर सकते हैं आप, दोपहर 12 बजे का टाइम हो चुका है। तो अभी जो है आपके भाई के लिए एक बहुत बहुत बैड न्यूज़ है। मैं तो सुन के बहुत सैड हुआ था, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा था बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ जो है हमारा मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि तो पहले अभी मैं आपको वो बता नहीं रहा, अभी बाद में बताऊंगा। पहले जो है हम तैयारी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कपड़े शपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। और अब जो है आपका भाई जो है अपनी बाइक जो है वो धोते हैं, उसके बाद बाइक धोने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या होने वाला है एक्चुअली में। जी हमारी बाइक अभी इसको धोते हैं, साफ करते हैं फ्रेश। भाई साहब, आपके भाई ने जो है अपनी बाइक वॉश कर ली। आपने देखा कि आपका भाई गुड बाइक वॉशर है भाई। आपका भाई बुरा टाइम भी आ सकता है, तो आपका भाई जो है कार वॉश भी कर सकता है। बाकी यार अल्लाह करे कि ऐसा टाइम किसी पे भी ना आए। तो आज की सैड न्यूज़ ये है कि आज आपका भाई अपने गांव को छोड़ के जा रहा है भाई। पूरे दो मंथ के बाद आपका भाई छोड़ के जा रहा है अपने गांव को। और ये मैंने बैग वगैरह पैक कर लिया है, यार चेक कर सकते हैं, बैग मेरा रेडी है। अभी बाइक वॉश करनी थी वो भी कर लिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ निकलना है। कपड़े यही हैं मेरे, ठीक है। तो अभी मैं जाने लगा हूँ काम पे, और चल के मैं एक और नई जगह पे काम पे जा रहा हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आज जो है आपका भाई न्यू जगह कौन सी है जहाँ पे काम पे जा रहा है, तो विज़िट करवाता हूँ आपको जा। बाकी यार भाई साहब, आई एम फीलिंग सो सैड, क्योंकि 2 मंथ यहाँ पे मैंने गुजारे हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन अगर दुनिया में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, तो इसी वजह से फिर काम पे जा रहे हैं। आई होप कि वहाँ भी लोग अच्छे ही होंगे, आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, ज़रा विज़िट करवाऊँगा वहाँ पे जाके अगर पॉसिबल हुआ तो। फिलहाल जल्दी से रेडी होते हैं यार, दिल नहीं कर रहा जाने का, बहुत मिस करूँगा अपने गांव को। तो आई होप आप भी हमारे गांव को मिस करेंगे, तो फिर भी हम चक्कर लगा लिया करेंगे, 1-2 वीक के बाद चक्कर लगा लिया करेंगे गाँव में भी। तो बाकी यार क्या कर सकते हैं, मुझे तो ना बड़ा अफसोस हो रहा है भाई, अब क्या करें, जाना तो है। चलो भाई रेडी होते हैं, निकलते हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा सामान बैग में था, इसमें है क्या क्या वैसे बस। A few moments later, ये हम आ गए हैं घर में। ये है कमरा और यहाँ पे मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं, इधर भी और इधर भी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, और ये माल वगैरह पड़ा हुआ है, और आपके भाई का बैग। तो यार मैं थोड़ा सा टूर करवा दूँ आपको। टूर क्या करना है, ये जो है अभी दूसरी स्टोरी है, ये अभी ठीक होने वाली है, ऐसे ही पड़ी हुई है, रिपेयर करने वाली है। तो नीचे वाली स्टोरी है वो वर्किंग के लिए अवेलेबल है, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया तो करने वाला हूँ, और यार क्या अजीब लग रहा है कसम से। तो अभी जो है मैं ना छत पे चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम जो है एंड करेंगे। भाई साहब ये तीसरी स्टोरी है छत, भाई साहब चेक कर सकते हैं आप छत कितनी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। और ये सोसाइटी है सारी जहाँ पे मैं आया हूँ अब काम करने के लिए। अभी जो है ना
यार दिल नहीं लग रहा बस, मैं अपने गांव की ना बहुत याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है अपने गांव की। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करते हैं स्टार्ट काम, अल्लाह का नाम लेके देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो आज तो आई होप के मैं फ्री होऊंगा, कल से इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर देंगे हम। तो अब मैं जो है कटिंग वाला काम जो है मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया, वो छोड़ दिया है। तो अभी मैं जो है मशीन पे बैठने लगा हूँ, अब मैं बैग सिलाई किया करूँगा। पहले कटिंग करता था, अब सिलाई करने वाला हूँ मैं। तो बाकी नेक्स्ट अल्लाह जो है हमें हिम्मत दे, इंशाल्लाह आपका भाई भी अपना जो है सेटअप बनाएगा जल्द ही, इसी वजह से मैं ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बाकी यार जैसा भी है काम तो करना पड़ेगा। तो बाकी यार यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को कर रहा हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में हमेशा याद। ओके फिर।